Assalamualaikum, welcome to another interesting video by Waseem Hamdani. तो यार Infinix Note 7 का सक्सेसर Infinix Note 8 और Infinix Note 8i पाकिस्तान में बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं और Infinix वालों ने ऑफिशियली इन दोनों स्मार्टफोन्स को टीज करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान में. और जब कोई भी ब्रांड किसी भी अपने स्मार्टफोन को ऑफिशियली किसी भी कंट्री में टीज करना स्टार्ट करता है तो समझ जाना चाहिए कि ये स्मार्टफोन अब उस कंट्री में लॉन्च होने वाला होता है. तो बहुत जल्द ये दोनों स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में Infinix Note 8 की जो कंफर्म स्पेसिफिकेशंस हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके अलावा स्मार्टफोन की प्राइस भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना और वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना. तो यार अगर बात की जाए ना Infinix Note 8 की तो Infinix Note 7 की तरह यहाँ पर भी आपको 6.95 इंच का एक IPS डिस्प्ले मिलेगा. अब IPS डिस्प्ले की तो खैर है क्योंकि Infinix वाले आपको हमेशा से IPS डिस्प्ले देते आ रहे हैं अपने ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में, उसकी खैर है. लेकिन कम से कम फुल HD प्लस क्वालिटी की रेजोल्यूशन यहाँ पर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन ही मिलेंगी. तो क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर कैमरा वाइज स्मार्टफोन को देखा जाए तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की है. आपको यहां पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, यानी कि प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा और बाकी के तीन सेंसर 2-2 मेगापिक्सल के ही होंगे. तो बाकी ब्रांड्स की तरह पता नहीं यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का क्यों नहीं दे रहे. अब क्या कर सकते हैं, तो बाकी के तीन सेंसर यहां पर आपको 2-2 मेगापिक्सल के मिलेंगे. इनमें मैक्रो और डेप्थ सेंसर और QVGA लेंस या फिर आर लेंस होंगे. तो कैमरा वाइज के तीन सेंसर तो मुझे पसंद नहीं आए और LED फ्लैश लाइट का सेटअप भी होगा. अगर बात की जाए फ्रंट की तो फ्रंट में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का होगा और सेकेंडरी सेंसर आपको 2 मेगापिक्सल का मिलेगा. तो उसके बाद अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की तो 10 आवर्स का एंड्रॉयड वर्जन होगा. तो UI में भी इन्होंने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की है, यहाँ पर आपको XOS 7.1 की UI मिल जाएगी. तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टफोन में प्रोसेसर की. ऑक्टाकोर का CPU होगा और चिपसेट यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G80 की चिपसेट मिलेगी. तो नोट 7 में आपको G70 की चिपसेट मिल रही थी और यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G80 की चिपसेट मिलेगी. काफ़ी अच्छी चिपसेट है गेमिंग के लिहाज से और ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये चिपसेट आपको देगी. इसके बाद अगर बात की जाए स्मार्टफोन में बैटरी की तो 5200 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट टाइप सी की केबल के साथ आपको मिल जाएगी. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पर आपको टाइप सी की केबल के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी. तो अब तक आपको वीडियो कैसी लगी है तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी से बताना है और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक लाजमी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी आपने लाजमी से प्रेस कर लेना है. तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टफोन में वेरियंट्स की. तो 6GB 128GB वाले वेरिएंट के साथ इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा. तो अगर बात की जाए स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट की, इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है एक्सपेक्टेड प्राइस और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इस स्मार्टफोन को इसी प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाए और वो प्राइस 32,000 है. जी हाँ, 32,000 के राउंड अबाउट ही इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा. और जहाँ तक बात है मेरे भैया लॉन्च डेट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि Infinix वालों ने ऑफिशियली टीज करना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत जल्द दिसंबर के स्टार्टिंग में स्मार्टफोन को पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है. तो बस यार वीडियो में इतना ही था. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी से करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी आपने लाजमी से प्रेस कर लेना है.